द केन्जियन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल एंड मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन स्टूडेंट्स अभी तक तो हमने ये समझा कि केंजियन थ्योरी है क्या कि बिज़नेस फ्लक्चुएशंस क्यों आती हैं उसको वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं तो आज के मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि केंजियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब ये फ्लक्चुएशंस आती हैं तो वट शुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ पॉलिसी मेकरस टू दीज चेंज सो so, आप जैसे जानते हैं कि क्लासिकल तो इसको फेवर नहीं करते कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए लेकिन केनजियन जो है वो इसको फेवर करते हैं कि गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शन टू तो स्टेबलाइज द इकॉनमी की रीज़न क्या है क्लासिकल तो आप जानते हैं वो कहते हैं कि शॉर्ट रन जो है वो इेलीवेंट है इकॉनमी बहुत इंस्टेंटली एडजस्ट कर जाती है लेकिन केन्जियन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शॉर्ट रन काफ़ी लंबा हो सकता है और इस अरसे में जाहिर है जब रिसेशन है तो इसके जो अनडिजायरेबल जो अफेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पर जो अनएम्प्लॉड लोग हैं वो जिस तरह की उनको हार्डशिप फील करना पड़ती है तो इसलिए वो समझते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए ताकि इसको समूथ किया जा सके और इनफ्लक्चुशंस को रिमूव uh, कम किया जा सके सो स्पोज देर इज द शॉक डैट शिफ्ट द आइएस कर्व डाउन कांग रिसेशन क्या ये एस के शिफ्ट होने की वजह से डाउनवर्ड अगर रिसेशन पैदा हुआ है तो क्या होगा इस डाइग्राम से हम समझते हैं सपोज इनिशियली इकोनॉमी ई पॉइंट पर है जहाँ पर आई एस वन और एल एम वन और एफ ई लाइन सब इंटरसेकट कर रहे हैं इकलिब्रियम में है और ड्यू टू द ड्रॉप इन द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लीड्स टू रिसेशन ठीक है और आई एस करव जो है ये डाउनवर्ड आई एस वन से एक आई एस टू पर आ जाते हैं हम ठीक है हमने जो पढ़ा है डिटेल में कि किस तरह के एग्रीगेट डिमांड शॉक्स हैं जो आई एस कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं ओके सो so इकॉनमी अब क्या है e ई से अब शॉर्ट टर्म में इक्विलिब्रियम कहाँ पर हो जाएगा एफ पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा ठीक है एफ पॉइंट में क्या है रिसेशन आके आउटपुट कम होगी एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा सो so बाकी सारे उससे जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो पैदा हो जाएंगे तो अगर अब तीन तीन तरह के सिनेरियोस हैं एक तो ये है कि गवर्नमेंट कुछ ना करे ओके okay? और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट क्या करे गवर्नमेंट अगर दो तरह options के उसके पास ऑप्शन हैं वो फिस्कल पॉलिसी के जरिए से इंटरवीन कर सकती है या मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए से इंटरवीन कर सकती है तो हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं सपोज़ गवर्नमेंट डज नथिंग ठीक है वो इसमें बिल्कुल इंटरवीन नहीं करती तो क्या हो गए तो लॉन्ग रन में जब आप आउटपुट जब अपने नॉर्मल लेवल से कम है तो फिर ग्रेजुअली क्या होगा कि प्राइसेस में कमी होना शुरू हो जाएगी ताकि आउटपुट में इजाफ़ा किया जा सके ठीक है और अल्टीमेटली लॉन्ग रन में प्राइसेस में कमी की वजह से एलएम कर्व जो है वो वो डाउनवर्ड शिफ्ट प्राइस में कमी होने की वजह से रियल मनी सप्लाई कम हो जाएगी और एल एम करब डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और लॉन्ग रन में इकानोमी एच पॉइंट पर इक्बरी में आ जाएगी सो so, ये तो उस सूरत में कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती लेकिन ऑबियसली इसमें टाइम कितना इन्वॉल्व होगा ये ये मैटर करता है ये ये बेसिकली अहम पॉइंट है कि ये इसमें चूँकि जितने अरसे तक वो इकॉनमी अपने लॉन्ग रन इक्िबरी में नहीं पहुँचती उस वक्त तक वो बेरोजगारी इकानोमी में रहेगी और उससे जो रिलेटेड तमाम इशूज़ हैं वो रहेंगे और एक तो ये हो गया सिनेरियो सेकंड ये कि गवर्नमेंट दो तरह के स्टेप्स ले सकती है वो अपने फिजिकल पॉलिसी को यूज़ कर सकती है या अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ कर सकती है सपोज़ वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करती है उसमें वो क्या करेगी मनी सप्लाई में नॉमिनल मनी सप्लाई में इजाफ़ा कर देगी नॉमिनल मनी सप्लाई में इजाफे से फिर फौरी तौर पर यह जो ग्रेजुअली एल एम करफ ने प्राइस में कमी होने से और एल एम करफ ने शिफ्ट करना था ब्लैक से रेड पर आना था ये गवर्नमेंट की मॉनिटरी पॉलिसी के एक्शन की, की वजह से ये काम क्विकली हो जाएगा मनी सप्लाई में इजाफ़ा होने की वजह से जो है वो इंस्टेंटली एल एम करफ डाउन शिफ्ट हो जाएगा और इकॉनमी दोबारा एच एच पॉइंट पर आ जाएगी एफ से एच पॉइंट पर आ जाएगी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी ओके okay? और दूसरी इसके पास गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है कि गवर्नमेंट अपने फिस्कल स्पेंडिंग में इजाफ़ा कर दे अपने आ, स्पेंडिंग में इजाफा करने के नतीजे में आई एस कर आप शिफ्ट हो जाएगा और इकॉनमी जो है वो एफ़ से दोबारा ई e पर आ जाएगी तो ये तीन तरह के सिनेरियो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो इट विल टेक सम टाइम बट अल्टीमेटली इकॉनमी का जो दोबारा इक्िब्रियम होगा वो एच पर हो जाएगा और अगर गवर्नमेंट मोनिट्री पॉलिसी यूज़ करती है तो वो एच पर बहुत क्विकली आ जाएगी और अगर वो फिजिकल पॉलिसी तो को यूज़ करती है तो वो फिर ई e पॉइंट पर एक में आ जाएगी सो so, If the government does nothing, eventually the price level will decline, restoring general equilibrium, but output and employment may remain below their full employment levels for some time. Or those three options, the government could increase the money supply, shifting the LM curve down to move the economy to general equilibrium. Uh, government could increase government purchases to shift the IS curve up to restore the general equilibrium. Okay. यूजिंग मोनिट्री और फिजिकल पॉलिसी टू रेस्टोर जनरल एक्लिब्रियम हैज़ द एडवानज ऑफ एक्टिंग क्विकली रादर दैन वेटिंग सम टाइम फॉर द प्राइस लेवल टू डिक्लाइन बट द प्राइस लेवल इज़ हायर इन द लॉन्ग रन वैन यूजिंग पॉलिसी दैन इट वुड बी इफ़ द गोर्नमेंट टोक नो एक्शन ये ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गोरमेंट अगर कोई एक्शन नहीं लेती तो उसके नतीजे में क्या होना है प्राइस लेवल में कमी होने के जरिए से वो जनरल इक्ब्रियम रेस्टोर होना है ठीक है लेकिन गवर्नमेंट अगर मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है या गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी यूज़ करती है तो उसके नतीजे में फिर प्राइस लेवल उससे ज़्यादा हो जाएगा जो उसने लॉन्ग रन में खुद जो अटेन करना था उससे सो द चॉइस ऑफ मॉनेटरी और फिजकल पॉलिसी एफेक्ट द कम्पोजिशन ऑफ स्पेंडिंग गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी यूज़ करे मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करे या फिजिकली इससे क्या फ़र्क पड़ता है इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेज़ क्राउड आउट्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बिकॉज ऑफ अ हायर रियल इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग में इजाफा करती है तो उसके नतीजे में क्या क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट होगा कि गवर्नमेंट की परचेजेज़ गवर्नमेंट का शेयर बढ़ जाएगा और एग्रीगेट डिमांड में तो उससे इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा होगा उससे कंजम्पशन कम हो जाएगी और उससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और इसी तरह टैक्स बर्डन्स आर आल्सो हायर व्हेन गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीजेस फर्दर रिड्यूसिंग कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज उसको फाइनांस करने के लिए टैक्सेस का बर्डन इंक्रीज करेगी टैक्स इम्पोज़ करेगी तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट परचेजेज इंक्रीज होंगी और फर्दर रिड्यूसिंग कंजम्पशन लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और उससे कंजम्पशन कम हो जाएगी तो इस तरह से हम इसको भी कंपेयर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी यूज़ करती है या मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है तो उन दोनों में उन दोनों से क्या फ़र्क़ पड़ेगा ओके थैंक यू